रात आज से दो दिन कबल कराची में एक वाकया पेश आया। जोएल काक्स नाम का एक अमरीकी शहरी इस्लामाबाद आने के लिए कराची एयरपोर्ट पहुंचा। सामान की तलाशी हुई। सामान में से 9mm पिस्टल की 15 गोलियां, एक मैगजीन और 4 चाकू निकल आए। जोएल काक्स गिरफ्तार हो गया। यह विजिट वीजे पर पाकिस्तान आया था, लेकिन इसकी गिरफ्तारी के बाद अमरीकी मीडिया ने इसे FBI का एजेंट करार दे दिया। यह मियामी में FBI के फील्ड ऑफिस में काम करता है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने जोएल काक्स को 10 मई तक के लिए जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। ये एयरपोर्ट से गिरफ्तार हुआ था और कानूनी लिहाज से इसे एयरपोर्ट थाने की हिरासत में रहना चाहिए था, लेकिन पुलिस ने इसे सदर के इलाके में थाना अल्टरली मैदान में शिफ्ट कर दिया। कल अमरीकी सफारतखाने ने तस्लीम कर लिया कि जोएल काक्स सफारतकार नहीं है, ये आम शहरी है, इसे सफारती इस्तिस्ना हासिल नहीं। पाकिस्तानी कानून के मुताबिक यह मुलजम था, लेकिन सिर्फ एक दिन बाद हमारे कानून ने पसपाई अख्तियार कर ली। आज सिंध हुकूमत के होम सेक्रेटरी डॉक्टर नियाज अली अब्बासी, DIG ईस्ट मनीष शेख और SSP मलीर राव अनवार अपने दस्ते मुबारक से जोएल काक्स की जमानत की दरख्वास्त लेकर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत में पेश हो गए। अपने इल्जामात वापस लिए और सेशन जज ने 10 लाख रुपए की जमानत के बदले जोएल काक्स की रिहाई का हुक्म जारी कर दिया। मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस हुक्म के बाद चीफ सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी सिंध ये हुक्म लेकर खुद थाने गए और जोएल काक्स को इज्जत के साथ रिहा कर दिया। इस तरह जोएल काक्स ने साबित कर दिया कि हम लोग अगर इंसाफ फराहम करने पर आ जाएं, तो हम 36 घंटे में इंसाफ फराहम कर देते हैं। और इंसाफ की इस फराहमी के लिए खुद चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, DIG और ख्वा SSP को भी अदालत में पेश होना पड़े तो ये दरेर नहीं करते। मैं इस शानदार परफॉर्मेंस पर सिंध हुकूमत, सिंध के होम डिपार्टमेंट और कराची पुलिस को मुबारकबाद पेश करता हूं, लेकिन साथ ही डरते डरते एक छोटे से सवाल की जसारत भी करता हूं कि आप कभी एक बार जिंदगी में सिर्फ एक बार किसी पाकिस्तानी शहरी की जमानत के लिए भी अदालत गए हैं? आपने एक बार किसी ऐसे पाकिस्तानी शहरी को भी इज्जत बख्शी जो अपना पेट काटकर हुकूमत को टैक्स देता है और इस टैक्स से सरकारी ओहदेदारों को मराद और तनख्वाहें मिलती हैं? क्या इस मुल्क में इंसाफ के लिए भी अमरीकी शहरी होना जरूरी है? और आप अगर बुरा ना मनाए तो मैं आपसे एक और सवाल भी पूछ लूं। आप दिल पर हाथ रखकर जवाब दीजिए, अगर ये जुर्म अमरीकी सरजमीन पर आपसे सरजद हुआ होता तो क्या आपको वहां ये सहूलतें मिल सकती थी? होम सेक्रेटरी साहब, DIG साहब, SSP साहब और सेशन जज साहब, क्या वहां इस तरह आपकी जमानत हो सकती थी? लेकिन अफसोस, हम इसके बावजूद शिकवा करते हैं कि दुनिया हमारी इज्जत नहीं करती। दुनिया कितनी बेवकूफ है।